हेलो एंड वेलकम टू चेतनास करी किचन। आज हम बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज। ये देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट हैं और बाहर से कितने क्रिस्पी दिख रहे हैं। इसको बनाना भी उतना ही आसान है। इस रेसिपी में कुछ सीक्रेट्स हैं जो कि हम इस रेसिपी में आपको बताएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मैंने 4 आलू लेके इनको छील के अच्छे से धो लिया है। तो अब हम इनके आलू के स्लाइसेस करेंगे और इसमें हम कुछ भी आलू साइड से या कुछ वेस्ट नहीं करेंगे। सारे आलू का हम यूज़ कर लेंगे। जो छोटे छोटे पीसेज हैं उसके भी फ्रेंच फ्राइज बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए मैंने इस शेप में ऐसे पतले पतले काट लिए हैं स्लाइसेस। अब इसको लंबा लंबा हम काट के सारे छोटे बड़े फ्रेंच फ्राइज हमारे जो बनेंगे सभी बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप छोटे पीसेस साइड से निकाल दीजिए और वो वेस्ट हो जाए। हम सारे आलू का पूरा आलू का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए ये हमारे बिल्कुल देखिए लग रहे हैं ना फ्रेंच फ्राइज लंबे लंबे। मैंने इसको काट के अब हम इसको वॉश करेंगे। हमने इसको 3-4 बार अच्छे से धोना है। देखिए इसमें पानी में कितनी स्टार्च दिख रही है आपको। इसको हम जितनी बारी धोएंगे इसकी स्टार्च निकलती रहेगी। तो अब मैं ये सेकंड टाइम धो रही हूँ इसको अच्छे से। इसमें से भी देखिए पानी आपको अभी स्टार्च निकलता हुआ दिखाई देगा। ये मैंने देखिए अब ये थर्ड टाइम देखिए अब पानी हमारा थोड़ा साफ होना शुरू हो गया है। अब ये क्लियर वाटर दिख रहा है हमारा। तो इसमें से काफी स्टार्च निकल चुकी। अब मैं इसमें ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करूंगी। ये फिट करी है। इसको डालने से हमारे जो चिप्स हैं बिल्कुल वाइट बनेंगे। नहीं तो जो कई बार आपने देखा है ब्राउन ब्राउन हो जाते हैं। इसको हम ऐड करके इसको कम से कम 3-4 घंटे आप रख दो और इसको ज़्यादा देर भी रख सकते हो। नहीं तो आप 3-4 घंटे रखना तो ज़रूरी है। अब ये हमारे 3-4 घंटे हो गए हैं। अब मैं इसको निकाल के एक कपड़े में डाल रही हूँ। ये देखिए इससे हमारा क्या है सारा जो उसका एक्स्ट्रा पानी है वो हमारा कपड़े में आ जाए। इसको मैं अच्छे से सुखा लूँगी थोड़ा। इसको अच्छे से हम मल के इसमें जितना भी पानी एक्स्ट्रा वाला है वो निकल जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच मैदा। मैदा डालने से ये बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होंगे। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें डाल दी है चिली फ्लेक्स थोड़ी सी और अब ये थोड़ा सा ऑरिगेनो भी डालेंगे। इससे हमारी बहुत अच्छी खुशबू आती है फ्रेंच फ्राइज में। ये मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया है। इसके अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिंता मत करिए ये मैदा 5 मिनट बाद इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाएगा। अभी तो आप सोच रहे होंगे कि ये एकदम सूखा है। अभी ये चिपक जाएगा 5 मिनट में। अब हमारा ये तेज गरम घी हो गया है और इसमें अब हम फ्रेंच फ्राइज डाल देंगे। ये ध्यान रखिए घी हमें एकदम तेज गरम चाहिए। हल्के गरम में अगर आप डालेंगे तो आपके फ्रेंच फ्राइज क्रिस्पी नहीं होंगे। तो अब हमारा ये सारे फ्रेंच फ्राइज मैंने देखो आप डाल दिए हैं। इसको हम अब 2 मिनट बाद हिलाएंगे। इसमें ध्यान रखिए जो बीच में अगर चिपक रहे होंगे तो उसको आप थोड़ा थोड़ा अलग करते जाइए साथ साथ हिला के। नहीं तो आपके सारे फ्रेंच फ्राइज चिपक जाएंगे और उनको अलग करना थोड़ा मुश्किल होगा। ये मैं इसको साथ साथ अलग करती गई थी तो मेरे देखिए ये कितने अलग अलग बने हैं और देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। एकदम सफ़ेद हैं। फिटकरी डालने की वजह से ये एकदम सफ़ेद बने हैं हमारे फ्रेंच फ्राइज। तो इसी तरीके से मैंने अपने सारे फ्रेंच फ्राइज फ्राई कर लूँगी। ये देखिए हमारे फ्रेंच फ्राइज कितने ही क्रिस्पी और अच्छे लग रहे हैं। और आप इसको चटनी के साथ ग्रीन चटनी रेड चटनी जो भी आपको पसंद हो उसके साथ खाइए। तो ये हमारे अब सारे फ्रेंच फ्राइज बन के तैयार हो गए हैं। देखिए कितने क्रिस्पी लग रहे हैं देखने में। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय।